जिस वक्त इंसान इस दुनिया के झमेलों से, दुखों से, परेशानियों से, तकलीफों से और तकलीफें देने वालों से परेशान होकर थक हार कर घर आकर बैठता है तो ये सोचता है कि या अल्लाह मुझे सुकून कैसे मिलेगा। दरअसल इंसान सुकून को दुनिया में ढूंढ रहा होता है, दूसरी खुद से बाहर ढूंढ रहा होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने सुकून उसके अंदर छुपा के रखा होता है। इंसान सोचता है कि मैं भी सुकून हासिल करना चाहता हूँ, यानी कि रूहानी सुकून हासिल करना चाहता हूँ। ऐसे ही सवाल मेरे पास कई बार आए हैं जो कि आपके भी ज़ेर नज़र है। लोग रूहानी कुव्वत बेदार करने की फिर बातें करते हैं, क्योंकि दुनिया से तो थपड़े खा खा के परेशान हो चुके थे। या अल्लाह हो या अव्वलो या आखिर हो, 100 मरतबा को पढ़ना है हर नमाज के बाद या नमाज से पहले। पढ़कर आपको अच्छी तरीके से दुआ करनी है, बाद में आप सुजूद के लिए और अल्लाह ताला के हुजूर पेश होने के लिए तैयार हो जाइए। बावजूद होकर ही आपको वजीफा पढ़ना है, या अल्लाह हो या अव्वल हो या आखिर हो। पढ़कर आपको दुआ करनी है, जो कोई भी ज़िंदगी में दुख है उसके बाद उसके लिए दुआ करनी, जो कोई भी तकलीफ़ है उसके लिए दुआ करनी है, जो कोई भी परेशान करता है, कोई शैतान है, कोई भी बीमारी है, कोई भी दुख परेशानी है, कोई भी अज़ियत है, रुपए की तंगी हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, मैं आपसे कह रहा हूँ कोई भी दुख हो, उसके लिए आपको बस इस वजीफे को पढ़ के दुआ करनी है। अब आखिर दूसरे पढ़ना है, मकबूल होगा और आगे चलकर आपकी नस्लों में इसका फैज़ पहुँचेगा। पढ़कर दुआ करना खुद के लिए और खुदा की मेहरबानियों के लिए और नस्लों की भलाई के लिए। अल्लाह ताला आपको भी आसानी दे, आसानी फैलाने वाला बनाए। अल्लाह